तो गाइस आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम लोग आ चुके हैं बराबर घूमने के लिए आए रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आने वाले के और दर्शन करने वाले के। बहुत ज़्यादा कोहरा गिरा रखा है और ठंड भी गिरा रखे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है और किस तरह कितना जंगल है। आप लोग एक बार देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊपर में लगता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी दर्शन करके हम भी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबा भीड़ है क्योंकि आज 1 जनवरी है। सब लोग घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए सब लोग इस जगह पर आए हुए हैं और देख सकते हैं कुछ और दर्शन करके आ रहे हैं। हम तो काफ़ी पहले दर्शन कर चुके थे, उसमें काफ़ी कम भीड़ थी क्योंकि मॉर्निंग में आए। दर्शन करके आ रहे हैं ऊपर में, ऊपर से आ रहे हैं। क्या बता सकते हैं कैसा है? बहुत ही ऊपर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सच पूछिए तो दर्शन करने में हम लोगों को बहुत सा अच्छा लगा। हमको गुजारिश करेंगे आप लोग जितने भी देख रहे हैं आप जाकर दर्शन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा सर, आप भी दर्शन का कितना है? काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्या? काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बहुत अच्छे लगा, बहुत मेहनत ही इंजॉय लिए। आप सभी लोग ही आइए और दर्शन करिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और आज नया साल है 1 जनवरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए टूरिस्ट है और आ रहे हैं इस जगह पर। हम देख सकते हैं और मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि किस तरह का पहाड़ को काट काट कर बनाया गया है रास्ता। ये रास्ता आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा रखे हैं। आवाजाही दो रास्ता है, एक पतलगंगा ये साइड से कुछ दूरी पर ही पतलगंगा की जाने के लिए रास्ता है, यह है जो बामन सीढ़ी जाने के लिए है। और आगे पतलगंगा जाने के बाद इसी रास्ता से पतलगंगा की ओर जाने जाते समय हथिया बोर एक रास्ता है, उस जगह से भी बहुत आसान से चढ़ जाती है। जितना काफ़ी ज़्यादा भीड़ ज़्यादा भार पड़ता है चढ़ने में इस रास्ता से लगता है। और जो पतलगंगा है उसे सीढ़ी बना दिया गया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। चलिए आगे दिखाते हैं, तो दिखाते हैं आपको बामन सीढ़ी है। देखिए ये जगह का फेमस सबसे बढ़िया है बामन सीढ़ी, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यही बामन सीढ़ी है जो आप देख सकते हैं नीचे तकला कटिंग कर करके कितना बड़ा पत्थर की पहाड़ है, इसे कटिंग करके बामन सीढ़ी बनाया गया है। इसी से आदमी लोग चढ़ते हैं, इसे बामन सीढ़िया की रास्ता बोला जाता है। यही बामन सीढ़ी आप देख सकते हैं किस तरह से कटिंग किया गया है, देख सकते हैं कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई पर हम लोग अभी आ गए हैं। इसे बराबर ऐसा पहाड़ तीन पहाड़ है, तीन चार पहाड़ इस जगह पर है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं गुफा एक। सब लोग अभी जा रहे हैं गुफा देखने के लिए, देख रहे हैं कितनी ढलान है। ये रास्ता नहीं है, एक गुफा है। अरे अरे देखिए काफी देखिए कितना स्लिप कर रहा है पहाड़, जो पैर कितना ज्यादा स्लिप कर रहा है और कितना चिकना इस जगह पर आप देख सकते हैं। एक बार अभी जगह का व्यू देखिए कितना कैसा है, जो कितना जंगल है आप देख सकते हैं एक बार। चलिए आप लोग को एक गुफा दिखाते हैं जो कि वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर है, देख सकते हैं क्योंकि बैठकर जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं कितना चिकना है जो रास्ता। देख रहे हैं स्लिप कितना पैर कर रहा है जो। देख सकते हैं गुफा अंदर रास्ता गया हुआ है अंदर में। अब देख सकते हैं किस तरह का बनाया हुआ था, देख कितनी खूबसूरती से पत्थर लगा, इतनी इतने पहाड़ों के बीच में किस तरह का बनाया गया था डिजाइन। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गुफा है जो ये शायद लगता है कि इसमें कुछ बहता होगा, हमें पता नहीं। और देख सकते हैं जंगल, देखिए
जंगल देखे कि कितना घना जंगल है जो आप देख सकते हैं। चलिए आओ आगे दिखाते हैं आप लोग को। देखिए सब लोग आए क्या देखने के लिए आए रखे हैं जो ना पता करते हैं। देखिए अब देख देख सकते हैं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना जंगल है जो आप देख सकते हैं कितना देखिए कैसा कैसा पेड़ है जो इस जगह पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जंगल है। अभी आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर इस जगह पर नज़ारा है जो लगता है कि कोई आदमी है देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस जगह पर कितना बड़ा खाई बना हुआ है जो और पता नहीं क्या कौन रहता है या क्या है जो रहता है जो आप एक बार देख सकते हैं। आप देख सकते हैं